कहां गए महिला सुरक्षा के वादे? एनसीडब्ल्यू की रिपोर्ट में तगड़ा खुलासा। कहीं इस रिपोर्ट से योगी पर बरस न जाए मोदी। योगी राज में महिलाओं के साथ अपराध का बढ़ा ग्राफ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अगर कोई इस चौराहे पर बेटियों के साथ बदसलूकी करेगा तो अगले चौराहे पर पुलिस की गोली उसका इंतजार कर रही होगी। पूरे देश में बीजेपी इस बात का दम भरती है कि भाजपा के शासन में महिलाएं सुरक्षित हैं, लेकिन ये जानना भी बेहद जरूरी है कि इस बात में कितनी सच्चाई है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं को लेकर तमाम दावे किए जाते हैं कि महिलाएं सुरक्षित हैं, उन्हें सम्मान मिलता है, लेकिन हाल ही में वाराणसी के बीएचयू में छात्रा के साथ छेड़खानी के मामले को अगर देखा जाए तो ये दावे खोखले साबित होंगे। जहां उस बेटी के साथ बदसलूकी करने वाले तीनों आरोपी बीजेपी नेता पाए गए, वहीं मामले में 60 दिनों बाद गिरफ्तारी हुई, जबकि कांग्रेस बहुत पहले से इस बात को दोहरा रही थी कि तीनों आरोपियों का संबंध बीजेपी से है और तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन इसके उल्टा कांग्रेस के यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पर ही मामला दर्ज करवा दिया गया। ये हाल तो मोदी के संसदीय क्षेत्र का है, यानी कि काशी का है। अब योगी के यूपी का पूरा हाल भी आपको बताते हैं। कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा के मुद्दे को लेकर विपक्ष पर तंज कसने वाली बीजेपी कभी अपने गिरेबान में नहीं देखती। बीजेपी को अपना कॉलर हमेशा सफेद दिखाई देता है। साल 2023 बीत गया, लेकिन यूपी की महिलाओं बेटियों के लिए ये साल बुरी यादों की तरह लॉक हो गया है, क्योंकि अपराध के मामले में, महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में यूपी की चिंताजनक तस्वीर सामने आई है। अमर उजाला में छपी एक खबर के मुताबिक, राष्ट्रीय महिला आयोग की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक पूरे साल में महिलाओं के खिलाफ अपराध की 28,811 शिकायतें मिली। इनमें से 50% से ज्यादा मामला यूपी से रिपोर्ट किए गए हैं। सबसे ज्यादा शिकायतें गरिमा के अधिकार यानी राइट टू डिग्निटी की श्रेणी में मिली है। महिला आयोग ने यह भी बताया कि घरेलू हिंसा के अलावा अन्य श्रेणियों के तहत भी उत्पीड़न की शिकायतें दर्ज कराई गई। राष्ट्रीय महिला आयोग के मुताबिक महिलाओं के खिलाफ दहेज उत्पीड़न आज भी जारी है। आज भी महिलाएं दहेज की बलि चढ़ाई जा रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं के प्रति पुलिस की उदासीनता, दुष्कर्म, यौन उत्पीड़न की कोशिश भी चिंताजनक तस्वीरें पेश कर रहा है। इन श्रेणियों में बीते 12 महीने के दौरान सैकड़ों मामले दर्ज हुए। महिला आयोग के मुताबिक ऐसे मामलों में यूपी पहले नंबर पर है और दूसरे नंबर पर है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली। इसके अलावा घरेलू हिंसा के मामले भी दर्ज किए गए हैं। आयोग के मुताबिक गरिमा के अधिकार श्रेणी में घरेलू हिंसा को छोड़कर दूसरे प्रकार के उत्पीड़न के मामले को दर्ज किया जाता है। आंकड़े के अनुसार यौन उत्पीड़न के 805, साइबर अपराध के 605, पीछा करने के 472 और सम्मान से जुड़े अपराध की 409 शिकायतें दर्ज कराई गई। बीजेपी अक्सर इस बात को दोहराती है कि भाजपा राज में महिलाएं सुरक्षित है, लेकिन ये रिपोर्ट चीख चीख कर बीजेपी के इस दावे का खंडन कर रही है। बीएचयू की घटना के बाद, अब इस रिपोर्ट के आने के बाद भी क्या बीजेपी यही दावे करेगी, ये बड़ा सवाल है। इसके बाद अब देखना होगा कि इस रिपोर्ट के बाद योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था कड़ी करने के लिए क्या एक्शन लेते हैं। और जो आंकड़ा सामने आया है ये सच में काफी चिंताजनक है। एनसीडब्ल्यू के इस आंकड़ों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।